गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज मैं आपको जीके की बुक का पेज नंबर 9 करवाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में बताऊंगी। स्पोर्ट्स स्टार्स क्या होते हैं? जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको स्टार्स कहते हैं, वो उस खेल के स्टार होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे, टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको सही आंसर के सामने टिक लगाना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की पिक्चर्स दी हुई हैं, जो तो जिस स्पोर्ट को वो खेलते हैं उस स्पोर्ट के आगे आपको टिक लगाना है। तो देखो, नंबर वन पे ये कौन है? जीतू राय। तो जीतू राय इज ए शूटर। वो क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं। तो वो क्या है? एक शूटर है। तो आपको दिख रहा है, इसके सामने टिक लगाया हुआ है। अब नंबर टू पे देखो, ये कौन है? पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु प्लेज, पीवी सिंधु क्या खेलती हैं? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के सामने हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर थ्री पे देखो, ये कौन है? दीपा कार्मकर। तो दीपा कार्मकर इज ए, ये क्या खेलती हैं? जिम्नास्ट। वो क्या है? एक जिम्नास्ट। तो जिम्नास्ट के सामने हम टिक लगाएंगे। उसके बाद नंबर फोर पे देखो, विराट कोहली प्लेज। ये विराट कोहली हैं। तो ये क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट के सामने हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट फाइव नंबर पे ये कौन है? साक्षी मलिक इज अ, साक्षी मलिक क्या करती हैं? वो क्या है? एक रेसलर। तो रेसलर के सामने हम टिक लगाएंगे। देखो बच्चों, इसी के साथ मैं आपको पेज नंबर 10 भी करवा रही हूं। इसमें हम क्या सीखेंगे पेज पे? सेव वाटर। वाटर को किस तरह से हम बचा सकते हैं? तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, Who is saving water? इनमें से कौन है जो वाटर को बचा रहा है? Put a tick, उसके सामने टिक लगाना है। तो देखो, नंबर वन पे आपको टू पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ए एंड बी। तो देखो बच्चों, ये बच्चा है वो शावर से नहा रहा है, और बी में जो पिक्चर है वो बच्चा बकेट में पानी लेकर नहा रहा है। तो इनमें से कौन सा बच्चा है जो वाटर को सेव कर रहा है? बी ऑप्शन वाला। तो हम इसके सामने क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे। इसी तरह से सेकंड नंबर पे देखो, ये दो बच्चे हैं, ये ब्रश कर रहे हैं। तो ब्रश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्रश करने के साथ साथ हमें वाटर को भी बचाना है। तो देखो, नंबर वन की जो पिक्चर है उसमें ये गर्ल है, ये ब्रश करते हुए उसने टैप को बंद किया हुआ है। और बी नंबर की जो पिक्चर है उसमें ये बच्चा है, ये ब्रश कर रहा है लेकिन इसने टैप को खोला हुआ है। तो ये वाटर को वेस्ट कर रहा है, तो और ये वाटर को सेव कर रही है। तो इसके सामने हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे देखो, ये टू स्टूडेंट्स हैं, ये गर्ल है, ये दोनों बॉटल्स लेके गए हैं स्कूल में। तो जब इनकी बोतल में पानी बचा हुआ है उसको देखो, इस गर्ल ने तो वॉश बेसिन में डाल दिया है उस पानी को, और जो बॉय है उसने बचे हुए पानी को पौधे में डाल दिया है। तो इसने बेस्ट यूज किया है वाटर का, और वेस्ट नहीं किया है, सेव किया है। तो इसके सामने हम टिक लगा देंगे। मैं आपको जीके का पेज नंबर 11 करवाने जा रही हूँ, स्क्रैच योर हेड। आपको सोचना है और सोचकर आंसर देना है। तो नंबर वन पे देखो, एक्सरसाइज ए है। सबसे पहले, सर्कल द पिक्चर दैट इज डिफरेंट। तो जो अलग पिक्चर है उसको आपने सर्कल करना है। तो देखो, नंबर वन पे यहाँ पर बैग्स की पिक्चर है, पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पे देखो, इसमें 1 2 3, ये 3 बैग्स रेड कलर के हैं और उनमें से एक ग्रीन कलर का है। तो जो ग्रीन कलर का है वो अलग है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? सर्कल। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे देखो, अम्ब्रेलाज की पिक्चर है। तो यहाँ पर 1 2 3, ये 3 अम्ब्रेलाज हैं। इनमें जो इनका जो कलर है वो रेड और येल्लो है, लेकिन ये जो एक अम्ब्रेला है इसका कलर रेड और ब्लू है, इसलिए ये अलग है। तो हम इसको क्या करेंगे? सर्कल। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे देखो,
1, 2, 3 थ्री फ्लावर्स तो हैं रेड कलर के और एक फ्लावर है पर्पल कलर का। तो जो पर्पल कलर का फ्लावर है वो डिफरेंट है इसको, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सर्कल। उसके बाद देखो एक्सरसाइज बी, चूज फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट। आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हुई हैं, दी हुई हैं, तो उनके लिए कुछ यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनके लिए जो सही वर्ड है उसको आपने इसमें लिखना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो ये नंबर वन पे ये क्या है, ये लॉयन का बेबी है और ये हैन का बेबी है। लॉयन के बेबी को कब कहते हैं और हैन के बेबी को चिक कहते हैं, तो ये दोनों क्या है, बेबीज। तो हमने यहाँ पर बेबीज की स्पेलिंग लिख दी, BABIES बेबीज। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे ये क्या है, बर्ड और ये क्या है, बी। दोनों को फ्लाई करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है, विंग्स। तो यहाँ इन दोनों के क्या हैं, विंग्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे WINGS विंग्स। थर्ड नंबर पे ये क्या है, एप्पल और ये क्या है, बनाना। ये दोनों क्या हैं, फ्रूट्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे FRUITS फ्रूट्स। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे ये क्या है, रोज़ और ये क्या है, लिली। दोनों ये क्या हैं, फ्लावर्स, तो हमने यहाँ पर फ्लावर्स की स्पेलिंग लिख दी FLOWERS फ्लावर्स। तो बच्चों देखो अब इसकी एक्सरसाइज बी मैं आपको नोटबुक में करवाऊंगी, तो सब बच्चे ध्यान से करेंगे। तो देखो बच्चों आपको नोटबुक में इस तरह से सबसे पहले लिखना है पेज नंबर 11, उसके बाद एक्सरसाइज बी और हेडिंग लिखनी है मैच द फॉलोइंग, उसके बाद 1 to 4 तक नंबर लगाने हैं और इसमें नंबर वन पे लिखना है CUB कब, CHICK चिक। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे लिखना है BIRD बर्ड और BEE बी। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आपको लिखना है APPLE एप्पल और BANANA बनाना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आपको लिखना है ROSE रोज एंड LILY लिली। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो मैंने ABCD तक लेटर्स लिखे हैं, आपको A के सामने क्या लिखना है, फ्रूट्स FRUITS फ्रूट्स। B पे आपको लिखना है फ्लावर्स FLOWERS फ्लावर्स। सी के सामने आपको लिखना है बेबीज BABIES बेबीज। डी के सामने आपको लिखना है विंग्स WINGS विंग्स। अब आप इसको इसको मैच करना है, तो देखो नंबर वन पे है कब और चिक, ये दोनों क्या है, बेबीज, तो बेबीज के सामने आपको क्या लगाना है, नंबर वन। उसके बाद टू नंबर पे क्या है, बर्ड और बी, तो बर्ड और बी इनके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, तो आप विंग्स के सामने आपको टू नंबर लगाना है। उसके बाद नंबर थ्री पे है एप्पल बनाना, तो ये दोनों क्या हैं, फ्रूट्स हैं, तो इसके सामने आपको क्या करना है, थ्री नंबर लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट फोर नंबर पे है रोज लिली, ये दोनों क्या हैं, फ्लावर्स, तो इसके सामने आपको फोर नंबर लगाना है। तो बच्चों आपको ये पेज नंबर 11 बुक में और नोटबुक में करना है। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।